गंडोला राइड्स पे जमी खो गई बर्फ की चादरों में। सब साला स्नैप का कमाल है कि लोग पागल हो गए एकदम। मोबाइल नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता यहाँ बर्फ पड़ता है। किसको पता चलता आजकल लोग उठाते हैं बर्फ पे वीडियो और दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, हमने ये देखने हम इतना तंग आ गए बर्फ दे, हम सोच रहे कब से कब खत्म हो जाएगी। यार बहुत सर्वाइवल इशू है यहाँ पे, लोग सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता होगा। और हमारे लिए मुश्किल होता है सुबह गाड़ी स्टार्ट करना, शाम को गाड़ी स्टार्ट करना, दूसरी बात की खाना पीना अपना, लाइट चली जाती है तो बहुत हालत खराब होता है, लाइट खराब हो जाती है। प्रॉपर बोलते हैं 6 महीने तक, 6 महीने पहले से ही ठंड की ठंड का। अगर इस वक्त आपको जल्दी होगी तो क्या बगा सकते हैं, गाड़ी मत तेज चला सकते, खतरा है तो भाई, किसी को इमरजेंसी भी होती है, कोई चोट भी लग सकता है, तो उस टाइम गाड़ी इधर क्या करे। इधर हेलीकॉप्टर से है रेस्क्यू, इधर एक चोट से दूसरी चोट को लेगा। इंडियन आर्मी का बेस कैंप किधर? इधर आर्मी, आर्मी देखा ना आपने, वो जब जहाँ फ्लैग लगा था। और क्या घूमने लायक, यही है बस, बस यही। ये देखो ये आपने पूरा गुलमर्ग का राउंड किया, मेरे ख्याल से आप गंडोला के बगैर कुछ नहीं, गंडोला के बगैर कुछ नहीं, मतलब वो है ना, वो हाईलैंड पार्क होटल है जहाँ वो। तो आप स्टैंड से फिर स्टैंड जा रहे हो वापस? नहीं मैं गंडोला तक जाऊँगा। अच्छा गंडोला फिर वापस आओगे? नहीं अभी तो मुझे वहाँ क्लब तक जाना, अब मैं वापस जाऊँगा लेकिन आगे नहीं छोड़ेंगे ना मुझे स्टैंड से, फिर से वापस आना है इस साइड। ये वन वे जाने का रास्ता, वो आने का है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना नज़दीक पहुँच गया आपको पूरा चक्कर। अच्छा स्टैंड जो है हमारा जहाँ से वो गाड़ी मिलती है जी हाँ, वो कितना दूर होगा यहाँ से? ये आधा किलोमीटर होगा, आगे दिखेगा ना पहले, ये देख लो आप। अच्छा ये देखो कहाँ आ गया, ये देखो ये हेलीपैड है, हिलस्की वगैरह यहाँ से होता है टॉप ऑफ माउंटेन। और ये देखो वो आ गए आप मार्केट के रास्ते, वो जो नीचे आराम से निकल जाओगे। और ये देखो ये जो नीचे देखना वो